हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रिया सिंह। इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आज की दिन की शुरुआत होती है सीधा बर्तन धुलने से। एक्चुअली मैं सुबह उठी थी आकाश का टिफिन बनाने के लिए और आज मैंने उसके लिए बनाया था, शायद बेसन के चिल्ले बनाए थे। हाँ, बेसन के चिल्ले बनाए थे उसके लिए। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, थोड़ा सा नहीं क्योंकि सुबह उठ के थकान थकान सी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ना थोड़ी देर सो लिया जाए। फिर मैंने अब 10 बजे करीब उठी हूँ, बर्तन धुल लिए हैं और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया है। थोड़ी सी मैंने सब्जी भी काट के रख दी है, आज मैं सोच रही मिक्स वेज बनाई जाए, तो सब्जी मैंने उसके लिए काट के रख दी है और झाड़ू लगा लिया है, पोछा लगा लिया है। बीच में सिया रोन लगी तो मुझे उसे गोदी में लेकर फिर पोछा लगाने लगा, तब भी लेकिन वो शांत नहीं होती। आज पता नहीं क्या हो गया, जनरली वो खेलती रहती है मैं जब काम करती हूँ कभी कभी, लेकिन वो कर देती है ड्रामे थोड़े से। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया, फिर मैं सोचा कि पहले से चुप्पी करा लेती हूँ, उसके बाद कुछ काम करूँगी। इसे नहला धुला के मैंने सुला दिया है और ये अब थोड़ी देर सो जाए, उसके बाद फिर मैं अपना काम निपटाऊँगी। और आजकल पता नहीं ये ऐसे होट ऐसे पीने लगी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। देखो सोते सोते भी करने लगती है, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है ये। अगर तुम हटाओगे भी ना तो भी फिर से उसी पोजिशन में आ जाएगी। वही उठ के शोजा मेरा बेटा छोटा, सो जा। चलो मैं यहाँ से निकल लेते हैं। और यहाँ मैं भी नहा चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा जो काम बचा था वो निपटाना है, अपना भी थोड़ा सा काम है वो निपटाना है, एडिटिंग करनी है वीडियो। चलो जल्दी से करते हैं। साफ सफाई तो मैंने ऑलमोस्ट कर ही दी है, सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन तो सब चीज़ हो गई है, लेकिन बस ये थोड़ा सा मेरा काम बचा है तो वो काम कर लेते हैं, वरना ये उठ के ना तो वो काम करने देगी। तो इसको सुन देते हैं और जल्दी से अपना काम निपटाते हैं, ख़त्म करते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि साथ में खाना भी खा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना लेके बैठी हूँ और ये उठ गई है। लगभग अभी 2 ही बजने वाले हैं, आकाश भी आने वाला होगा। सच में अब तुम्हें आ गया, अब तुम्हें आ गया। अभी उठे हो गए, पी लिया तो अभी हम चले थोड़ा सा घूमने के लिए रेडी शेडी होकर। और यहाँ पर सिया ने पिंक पहना है, ब्लू मतलब के अंदर है, और मैंने भी पिंक और ब्लू पहना, थोड़ा मैचिंग। साथ में इसका बैग ले लिया है, कैरियर बैग, जिससे कि थोड़ा शॉपिंग करो तो आराम से रहेगा। उसको अलावा उसका एक बैग जिसमें इसके डायपर सब कुछ रख लिए हैं। और जल्दी से चलते हैं, आकाश नीचे कार निकाल लिया है और बहुत ही क्यूट लगी है मेरी गुड़िया छोटी सी। पहले बेटा पापा के साथ सिर्फ मैं आती थी, अब हम दोनों आए हैं पापा के शॉपिंग करवाने, और हमें भी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पापा शॉपिंग करते हैं। करेंगे आज भी? नहीं, आज तो मैं भी करूँगी, आज पापा हमें भी कराएंगे शॉपिंग, है ना। आया कुछ ये फिर वो है, वन टाइम वाली चीज है। अरे नहीं यार, मतलब वैसे जो ऐसी शेप ही रहती है ये अच्छी लग रही है, तुमको नहीं लग रही है तो मैं पहन लूंगी। अच्छी लग रही है ये, है ना। हाँ, ये थोड़ी खुल जाएगी नीचे से, खुलेगी। स्मॉल ले लो, चाहे स्मॉल ले लो, स्मॉल बहुत टाइट है ये, खुलेगी ये और भी सब खुलेगी। मैं मेरे को ये ऐसे कुरकुरी होते हैं तो ढूंढ लो फिर, ऐसे मत लो, इसमें से ये खराब हो जाएगा। ये लड़का पता नहीं क्या करना चाहता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बेटा सो गया आराम से, अब हम जा रहे हैं डीएलएस मॉल, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पसंद में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे सिया सो गई है, मम्मी की तरफ मुंह करके आराम से। चलो थोड़ी सी पेट पूजा अच्छा लगा है, अब कहाँ चलना है। चलो आज हम थोड़ा सा लेट हो गए तो H&M नहीं जा पाए, कल सोच रहे हैं कि कल चले जाएंगे आकाश के सामान लेने के लिए। एक्चुअली क्या ना, आकाश कुछ प्रोग्राम आ रहा है वो टीचर्स डे का, तो उसके लिए वो चाहता है कि थोड़े नए कपड़े हों, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, लड़का चाहता तो ठीक है। पर आज हमने बहुत सारी, तो मतलब थोड़े लेट निकले घर से तो उस चक्कर में भीड़ थी। हाँ बीवी बोलना चाहती है, भीड़ थी, ठीक है। थोड़ी भीड़ थी तो उस चक्कर में कुछ सामान नहीं ले पाए, और फिर हमने सोचा कि कल चलेंगे। अब बहुत तेज भूख लग रही है मुझे और आकाश दोनों को, तो भी आकाश गया सब भी लेने के लिए हम दोनों के लिए, और फिर वो खा के सीधा घर चलते हैं और फिर हम कल चलेंगे अब, है ना।
पार्टी के। मम्मा ने और इसने दोनों ने पिंक पिंक पहना है, ब्लू ब्लू पहना है। देखो उसके इसके ना इसे रैबिट वो बने, रैबिट नहीं चूहा है, माउस। आप भी कुछ बोलना चाहते हो व्लॉगिंग में? अपनी शक्ल देख के खुश हो रही है दो। और क्या बोलना चाहते हो आप? कह रही है पापा बहुत शॉपिंग करना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं दिलाना चाहते। हाँ बता दिए मैंने आप जो बोल रहे हो। और क्या बोलना चाहते हो आप बताओ? आपको शॉपिंग करनी थी? टेंशन ना लो, कल हम कुछ तो पापा के चक्कर में मार ही लेंगे, कुछ तो ले लेंगे। कल हम जाएंगे H&M और ज़ारा है। मुझे ना आकाश ने एक्चुअली जिस टाइम पर ये सिया हुई थी उस टाइम पर शर्ट लगाई थी, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि बॉय होगा और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि गर्ल होगी। और इस चक्कर में आकाश ने मैंने दोनों शर्ट लगाई थी कि अगर लड़की हुई तो जितना मैं चाहूँ ज़ारा से शॉपिंग कर सकती हूँ, और अगर लड़का हुआ तो आकाश जितना चाहे उतनी शॉपिंग कर सकता है। तो अब तक तो उसने कुछ नहीं दिलाया, लेकिन कल वो शर्त उसको वापस याद दिला के ट्राई करके कुछ ले लेंगे। पर मुझे ज़ारा से कुछ नहीं लेना, वो तो हमने ऐसे शर्त लगाई थी, पर मुझे ऐसा ज़ारा से कुछ नहीं लेना। मेरा बर्थडे आ रहा है, बस मुझे उसके लिए ड्रेस लेनी है। तो अगर कल पॉसिबल हुआ तो फिर हम बोलेंगे। मेरे को थोड़ा ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं यार ऐसा कुछ है तो लूटो, वैसा वाला नहीं है मेरे साथ। मुझे अगर कोई थोड़ा सस्ते में भी सामान दिला देगा ना मेरा चल जाएगा। बस मुझे अच्छा मिलना चाहिए, जो मुझे पसंद है बस वो चाहिए, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। खैर मैं ट्राई करती हूँ सस्ते में ही ले लूँ, सस्ते में नहीं पड़ जाऊँ। आपकी बात होनी चाहिए, मम्मा अपनी बात क्यों कर रही है? अच्छा ठीक है, इस लड़की को ना थोड़ा बाहर देखना है, खड़ा होना उसे बहुत पसंद है, बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर खड़े होने से शांत हो जाएगी। ये लो शांत, खड़ा कर दो शांत। चलो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जब तक आकाश हमारा सब भी लेके आ जाएगा, खा के फिर से घर चलते हैं और फिर कल जाएंगे शॉपिंग पे। आकाश के आने से पहले हमें रेडी हो जाना है, क्योंकि फिर हमारे चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि इस लड़की ने भी बहुत लेट को लाया ये फूल लगाने में। ये पापा लेके आ गए। ये खा लो आराम से, रैप है इसमें। ठीक है। और ये फैंटा है, कॉम्बो मिला था डार्क चॉकलेट का, तो वो भी ले आया मैं। क्या खिला है पापा तुम्हारे लिए? मैं खाऊंगा वो। मैं नहीं, मैं खाऊंगा। ठीक है तुम भी खा लेना। लो क्या से क्या ऐसा मन लगा खजा तो कुछ तो कुछ है कुछ नहीं है। आई वुड बी उड़ा मेरी तुम हो जाते क्या बोलते लोकल अंग्रेज आकाश ने पहली बार ब्लीच लगाई है, पता ही नहीं था आज तक ब्लीच के बारे में। ये तुम बता कैसे लगा आदिवासी है मेरे को ना बहुत तेज है तेरा ना खुद बस बस हो गया हो गया। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like